हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो केमिकल रिएक्शन है फिशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप पार्ट सिक्स में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले वाले वीडियो में जाना था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं। जैसे कोई भी आपका कोई भी सबस्टेंस है, जब वह सबस्टेंस या तो उसको हीट करते हैं, यानी वह सबस्टेंस जब दो या दो से अधिक सबस्टेंस में जब डिकम्पोज हो जाता है तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इस प्रकार केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर की हमें रिएक्शन पढ़नी है, तो वो तीसरे नंबर की रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? थर्ड नंबर है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। तो देखिए इसकी छोटी सी डेफिनेशन वो देख सकते हैं, इससे दो डायरेक्शन इन विच दोज रिएक्शंस इन विच, यानी वे अग्रेन जिनमें क्या होता है, इन विच क्या होगा, ए मोर एक्टिव एलिमेंट्स, ए मोर एक्टिव एलिमेंट, यानी इसमें क्या करते हैं, एक मोर एक्टिव एलिमेंट अधिक जो सक्रिय एलिमेंट होता है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस या रिमूव्स, डिस्प्लेस और रिमूव्स, या तो डिस्प्लेस करता है या रिमूव कर देता है। किसको रिमूव करेगा? एनोदर लेस, एनोदर लेस एक्टिव एलिमेंट, इसको एनोदर एयर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, फ्रॉम ए कंपाउंड आर नॉनेज एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखिए बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे दो रिएक्शंस इन विच द इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस और या और रिमूव्स एनोदर लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वे अभिक्रियाएं हैं, वे रिएक्शंस इनमें क्या होता है कि जो अत्यधिक एक्टिव एलिमेंट होता है वो आपको क्या करेगा, जो लेस एक्टिव एलिमेंट्स को, जो आपके लेस एक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा या रिमूव कर देगा, किसी कंपाउंड से रिमूव कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की रिएक्शंस को किसके नाम से जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो किस प्रकार से एक एक्टिव एलिमेंट के द्वारा, मोर एक्टिव एलिमेंट के द्वारा एक लेस एक्टिव एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है कि जब जिंक होता है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो किस प्रकार से रिएक्ट होगा, और यहाँ पर एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एलिमेंट का किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ हम लोग जान सकते हैं। तो ये इस इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो देखिए जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक का आपका जो फॉर्मूला है वो आपका क्या होगा, Zn होता है, और आपका जिंक है वो आपका किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, जिंक, ये जिंक है वो, ये आपका जिंक है और ये आपका सिल्वर वाइट बोल के है, सिल्वर वाइट कैसा होता है, सिल्वर वाइट होता है। रिएक्ट किससे कर रहा है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होता है। ये एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस, यानी इसका जली विलयन है, यानी इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा जो सॉल्वेंट होगा वो बॉटल होता है, तो जिसमें सॉल्वेंट बॉटल होगा वो आपका कैसे एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। और ये आपका कैसा है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट है
और इसका जो कलर है वो कैसा होगा, वो आपका ब्लू सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। और जब ये कॉपर सल्फेट इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ZnSO4 क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4 का एक और सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं जिंक, क्या बोलते हैं इसको, जिंक सल्फेट के नाम से जाना जाता है, जिंक सल्फेट क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहा जाता है। और देखिए जिंक सल्फेट है ये किस प्रकार सॉल्यूशन है, कलरलेस हो जाता है, कैसा, कलरलेस, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस इसके साथ क्या बनेगा, कॉपर, क्या बनेगा, कॉपर है और ये आपको सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में, कॉपर आपको सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाता है। और ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कैसे, रेडिश ब्राउन, कैसा, रेडिश ब्राउन कलर में होगा। देखिए हाँ भाई, रिएक्शन आपको मैंने बताई है कि रिएक्शन विद जिंक विद कॉपर सल्फेट, यानी जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो कॉपर सल्फेट जैसे यहाँ पे जो जिंक है वो आपका सिल्वर वाइट होता है, वो आपका जो आपका सॉलिड स्टेट में है, तथा कॉपर सल्फेट कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, और वो आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। जब ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 एक्वस प्लस जिंक सल्फेट, ये आपका जिंक सल्फेट होता है, कलरलेस होगा, और यहाँ पे Cu प्लस कॉपर सल्फेट ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे इस रिएक्शन में ये जानना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो मोर एक्टिव है और जो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो लेस एक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज होती है, इसमें ये बताया गया जो आपका जिंक है वो कॉपर से क्या होता है, मोर एक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो आपका मोर एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो आपके अपने लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देती है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जाती है। तो यहाँ पर देखिए ZnSO4 ने Cu को इसमें डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, ZnSO4 और Cu यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। तो इस प्रकार की रिएक्शन के जरिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास और भी रिएक्शन हैं जिनको आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से किसी रिएक्शन को डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो देखिए अदर एग्जाम्पल की बात करेंगे, हाँ भाई दूसरा एग्जाम्पल भी है जिसमें आप स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक मोर एक्टिव एलिमेंट एक लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए क्लोरीन गैस इन फर्स्ट यानी सेकेंड एक्शन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन किसकी रिएक्शन है, क्लोरीन के रिएक्शन है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, विथ पोटेशियम, विथ पोटेशियम ब्रोमाइड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन रिएक्ट करता है। यानी तो यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से जब क्लोरीन की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए कैसे होगा रिएक्शन, तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2, और क्लोरीन क्या होता है, गैस होती है, क्या होता है, गैस होती है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, किसके साथ, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला KBr, ये के क्या होगा, पोटेशियम और Br क्या होगा, ब्रोमाइड। तो ये इसके कैसे सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, क्या रिएक्ट करता है, Cl2 रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर 2 KBr ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 KCl क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और ये इसका नाम है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या बने, अभी यहाँ पर Br2 क्या बनेगा आपको, Br2 ब्रोमीन आपको मिल जाता है, ब्रोमीन गैसेस है ये, ब्रोमीन क्लियर। तो देखिए देख सकते हैं हमें रिएक्शन में आपको बताया गया है कि यहाँ पे ये इस रिएक्शन में बताया गया है कि जो आपका मोर एक्टिव एलिमेंट है वो आपके लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से इस प्रकार रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन को जब Cl2 2 KBr के साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ पर 2 KCl + Br2 बन जाता है, 2 KCl है या KCl क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड, Br2 ब्रोमीन होता है, KBr का पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, Cl2 क्लोरीन। तो यहाँ पर जो Cl है वो आपका Br से क्या है, जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है,
तो इस वजह से क्या करता है, मोर एक्टिव होता है, इस वजह से सी एन आपको वी आर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस वजह से यहाँ पर टू के सी एन का फॉर्मेशन होगा प्लस वी आर को आपका डिस्प्लेस हो जाता है। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो कैसे कहलाएंगे, वो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताना चाहूँगा जिससे और आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि किस प्रकार से किसी एक मोर एक्टिव एलिमेंट के द्वारा एक लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया जा सकता है। चलिए अगला एग्जांपल नंबर थर्ड है, एग्जांपल नंबर थर्ड है यानी जो आयरन, आयरन सब लोग जानते हैं आयरन एक मेटल है, आयरन मेटल रिएक्ट विद रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल किसके साथ, आयरन मेटल किसके रिएक्ट करती है, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन ऑफ मेटल आयरन मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो आयरन मेटल है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें क्या क्या फॉर्मेट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा और ये रिएक्शन आपकी किस तरह से कौन सी रिएक्शन कही जाएगी। तो यहाँ पर यानी इस रिएक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए आयरन किसके तरह रिएक्ट करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन का फॉर्मूला आयरन का आई भी होता है, सब लोग जानते हैं आयरन कैसा स्टेट में, सॉलिड स्टेट में होता है। आयरन कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में, ये आपका आयरन है, क्या है आयरन है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैसा हुआ एक्वस सॉल्यूशन हुआ, क्या होगा एक्वस होता है, ये क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये एसिड होता है एसिड सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेट होगा, तो देखिए यहाँ पर आएगा एरो FeCl2, क्या बन गया FeCl2, क्या बन गया एक्वस सॉल्यूशन FeCl2 का, FeCl2 क्या है उसे आयरन क्लोराइड कह सकते हैं, आयरन क्या करेंगे आयरन सेकंड क्लोराइड, क्या बोलेंगे आयरन सेकंड क्लोराइड। अब देखिए आयरन सेकंड क्लोराइड क्यों कहा जाता है इसके बारे में समझ सकते हैं, पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दिए। तो इसके साथ रिएक्ट करेगा ना H2 क्या है गैस है जो आपका हाइड्रोजन गैस इसमें निकलती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है ऐसे ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस लग रही है तो यहाँ पे FeCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये FeCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको आयरन सेकंड क्लोराइड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको Fe दो प्रकार जो Fe है वो Cl से दो तरह से रिएक्ट करता है कि Fe की वैलेंस Fe दो भी होती है और एक भी होती है। तो FeCl2 आयरन सेकंड क्लोराइड, एक FeCl3 होता है उसको FeCl3 बोलेंगे आयरन थर्ड क्लोराइड, वैसे इसका और भी जनरल नाम कह सकते हैं फेरस क्लोराइड और FeCl3 को बोलेंगे फेरिक क्लोराइड, क्या बोलेंगे फेरिक क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि आखिरी सिलेक्शन में किस एलिमेंट के द्वारा कौन से एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आयरन है जो Fe क्या होता है एक मोर एक्टिव एलिमेंट्स है, तो देखिए यहाँ पे Cl2HCl क्या करते हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, इस प्रकार के रिएक्शन में क्या करते हैं जो मोर एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो किसी भी एसिड से क्या करेंगे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, किसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसी किसमें हाइड्रोजन को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया तो क्या बन गया HCl2 का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार की रिएक्शन भी क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी, कौन सी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। चलिए अगले एग्जांपल की बात करें, अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे कि व्हेन द आयरन डाइऑक्साइड इज रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड, कौन सा थर्ड ऑक्साइड विद किसके साथ एल्यूमिनियम, किसके साथ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम मेटल, यानी अगली रिएक्शन में ये बताया गया, अगला एग्जाम्पल इसमें बताया गया रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड विद द एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
यानी जो आयरन ट्राइऑक्साइड होता है अगर वह एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेट होगा। तो देखिए सिलेक्शन में जो देख सकते हैं सिलेक्शन के माध्यम से पहले समझाएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। देखिए आयरन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3 इसका फॉर्मूला नाम है इसका आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्या बोलते हैं आयरन थर्ड ऑक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए इसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड है, देखिए अगर आपसे कोई पूछेगा आयरन सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा तो आयरन सेकेंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है Fe2 Fe2, क्या होता है Fe2O आयरन सेकेंड ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें जो आयरन की वैलेंसी निकालेगी वो कितनी होगी, वो आपकी सेकेंड होगी। लेकिन Fe2O3 के अंदर आयरन की वैलेंसी कितनी है, वो आपकी थर्ड है। तो ये क्या है थर्ड ऑक्साइड है Fe2O3, किसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम पर कैसे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है एल्यूमिनियम, कैसे स्टेट में होगा सॉलिड स्टेट में आपका एल्यूमिनियम पाया जाएगा। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए यहाँ क्या करेगा Al2 बनेगा, क्या बनेगा Al2 सॉलिड स्टेट में होगा प्लस 2Fe, ये आपका कैसा है ये आपका सॉलिड है। तो देखिए कह सकते हैं ये क्या है आयरन सॉलिड है, ये आपको कैसे आयरन मोल्टन लिथियम आयरन मोल्टन यानी ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि पिघला हुआ हुआ है जिसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं इस रिएक्शन में ये बताया गया है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड या रिएक्ट विद एल्यूमिनियम इन द फॉर्मेशन ऑफ Al2+2Fe, Al2+3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड या इसको दूसरे नाम से जानते हैं एल्यूमिना, क्या होता है एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या किया गया है, इस रिएक्शन में आपको मोर एक्टिव एलिमेंट के द्वारा जो लेस एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसको उस कंपाउंड से डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो देखिए आयरन है जो एल्यूमिनियम वो आयरन से क्या होता है मोर एक्टिव होता है, इस वजह से इसको डिस्प्लेस कर देता है, इससे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाती है, इस प्रकार की रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। चलिए इसके बाद अगली रिएक्शन की बात करेंगे, अगली 4 नंबर की रिएक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर आपने समझा कि किस प्रकार से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उसमें किस प्रकार से एक मोर एक्टिव एलिमेंट के द्वारा दूसरी लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्ले किया जाता है। चलिए अभी 4 नंबर की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से इंजीनियर कह सकते हैं, द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, छोटी डेफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। दो रिएक्शन दूज रिएक्शंस इन विच, यानी वही अभिक्रिया जिसमें क्या होता है इन विच क्या होगा टू कंपाउंड्स दो कंपाउंड्स करेंगे क्या करेंगे रिएक्ट्स, क्या करते हैं रिएक्ट्स क्या करते हैं दो कंपाउंड क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे वाई एन एक्सचेंज। ये में एक एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होगा ऑफ आइंस, किसका आइंस का एक्सचेंज होता है, किसका आइंस का एक्सचेंज होता है। तो आइंस क्या होते हैं सब लोग जानते हैं, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और जिन पर निगेटिव, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव चार्ज हो वो क्या कहेंगे आइन कहलाते हैं। वाई एन आइंस टू फॉर्म क्या करेंगे टू न्यू कंपाउंड्स, इनमें क्या हुआ यानी दो न्यू कंपाउंड के रूप में फॉर्मेट होते हैं आर बोल्ट डबल आर बोल्ट, इस प्रकार की रिएक्शन होती हैं आर बोल्ट डबल डिस्प्लेस
compounds react with an exchange of ions or to form two new compounds are called double displacement reactions. यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही रिएक्शन जिसमें क्या होगा, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और जिससे उनके आयन के एक्सचेंज के द्वारा दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। लेकिन आप एक छोटी सी रिएक्शन है जिसके माध्यम से समझ सकते हो कि आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यानी किसका रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद किसके साथ, ये किसके साथ रिएक्ट होगा, वो आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखिए हम बताएंगे रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये आपकी सबसे पहली बात है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, जब सिल्वर सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए इसमें क्या क्या फॉर्मेट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मेट होता है AgNO3। क्या होता है Ag क्या है, सिल्वर NO3 को होगा नाइट्रेट, क्या होता है नाइट्रेट होता है, तो ये क्या होगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन एक्वो सॉल्यूशन है, किसके साथ रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। ये भी आपका कैसे सॉल्यूशन एक्वो सॉल्यूशन है, इसका नाम क्या है सोडियम क्लोराइड क्या होता है सोडियम क्लोराइड। जब इसके साथ ये रिएक्ट होगा तो रिएक्ट करने के बाद देखिए अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है, जो कंपाउंड होते हैं उनके आयन आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो देखिए क्या होगा AgCl आपका कैसा है, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में है, कैसा है सॉलिड AgCl कैसे होगा सॉलिड स्टेट में, सिल्वर ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है सिल्वर क्लोराइड कह सकते हैं सिल्वर क्लोराइड, या क्या हो व्हाइट प्रेसिपिटेट कह सकते हैं इसको, क्या होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ऐसे कर सकते हैं इसका ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी किसी के जब प्रेसिपिटेट बनता है तो आप इस तरह एरो करके दिखाएंगे कैसे बनता है प्रेसिपिटेट बनना है, बच्चे बनना है तो उसको आप इस तरह एरो करके नीचे दिखा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बना, देखिए प्लस NaNO3 करेंगे NaNO3, Na क्या होता है सोडियम होता है, NO3 क्या होता है नाइट्रेट होता है, ये कैसे है एक्वस सॉल्यूशन है, ये किसका है सोडियम नाइट्रेट किसका सोडियम नाइट्रेट का कैसा सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या रहेगा, इस रिएक्शन में क्या बताया जाता है, जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या करती है, जब दो इसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे जिससे आपको दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनके दोनों के आपस में क्या होता है आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, किसका एक्सचेंज होगा आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो देखिए किस तरह आयन का एक्सचेंज हुआ, देखिए स्पष्ट कर सकते हैं आयन से, देखिए AgNO3 दोनों ही आपका AgNO3 आपका कैसा होता है, जैसे Ag है प्लस आपका क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, NO3 का है नाइट्रेट है, ये NO3 पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये सिल्वर आयन है नाइट्रेट आयन है। आप देखिए किस तरह रिएक्शन करते हैं, सोडियम आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन क्लोराइड आयन होता है, सोडियम आयन क्लोराइड, जब आप इसमें रिएक्ट करेंगे दीदी इधर क्या बनेगा सिल्वर आयन प्लस क्लोराइड आयन और इधर आपका सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन बन जाए, क्या बन जाता है नाइट्रेट आयन बन जाता है। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको मैं बताना चाहूँगा, इस रिएक्शन में आपको बताया जाएगा डबल डिस्प्लेस रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी आपके जो कंपाउंड होते हैं इनके आपस में आयन में एक्सचेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो सिल्वर है सिल्वर नाइट्रेट है इसने अपने जो नाइट्रेट आयन इसको दे दिए और सोडियम के अपने जो क्लोराइड आयन वो अपने साथ रख दिए, तो AgCl बन गया Ag प्लस Cl नेगेटिव, और जब आप सोडियम में अपने आयन नाइट्रेट आयन इसके साथ आएंगे तो क्या Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, तो कह सकते हैं इस प्रकार रिएक्शन में जो आपका आयन का एक्सचेंज हो जाता है। चलिए अगली रिएक्शन एक अगला एग्जांपल देखते हैं, इसमें आप स्पष्ट कर रहे हैं
अगले एग्जाम में बताया गया है कि जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो रिएक्ट किस किस हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फर में रिएक्शन ऑफ इसका हाइड्रोजन इसका हाइड्रोजन सल्फाइड विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किसके साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए आपको अगली रिएक्शन में ये बताया गया है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है हाइड्रोजन जो सल्फाइड है जब कॉपर सल्फेट के साथ किसके साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ क्या करता है रिएक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये ग्रीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ये रिएक्शन को देखिए स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 ये कैसा है एक्वस सॉल्यूशन है ये क्या है कॉपर सल्फेट है क्या है कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड किसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है H2S ये क्या होता है गैस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा इधर आपका क्या बनेगा बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड ये कॉपर सल्फेट का हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या फॉर्मेट होगा इसमें देखिए फॉर्मेट करते हैं CuSO4 यानी CuS का होगा CuS कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं इसमें क्या होता है अगर आपका H2 बच रहा है इसमें आपका सल्फेट है SO4 बचाएगा तो H2SO4 बनता है ये आपका एक सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा जैसे H2 है ये हाइड्रोजन सल्फाइड है S आ रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड अगर SO4 आएगा तो सल्फेट हो जाएगा अगर SO3 आए तो सल्फाइड हो जाता है। तो इस प्रकार रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जैसे जैसे एक आयन के रूप में दिखाना चाहें तो क्या होगा ये C+2 आयन है ये सल्फेट आयन है ये हाइड्रोजन आयन है ये सल्फाइड आयन है आपस में क्या रहे ये आपका जो कॉपर है इसके साथ जो सल्फर आयन है जो सल्फर आयन है इधर आ गया और जो सल्फेट आयन है उसको हाइड्रोजन जो आयन है उसके साथ चले जाते हैं तो इससे क्या बन जाएगा H2SO4+C+ कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसका देखिए देख सकते हैं ब्लैक क्या है ब्लैक प्रेसिपिटेट कैसा बच्ची पे ब्लैक प्रेसिपिटेट कह सकते हैं ब्लैक बच्चे कह सकते हैं काला बच्चे कह सकते हैं ये छोटा सा एग्जांपल और देते हैं बस उसके बाद देख लेते हैं इसको एग्जांपल नंबर 3 है यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 3 कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके था हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए किस तरह से आयन का सिंक हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो देखिए आप कह सकते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है NaOH क्या होता है NaOH आपको सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है NaCl किसके साथ HCl HCl होता है एक और सॉल्यूशन HCl का भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा देखिए क्या फॉर्मेट होगा इसमें आयन एक्सचेंज हो जाता है तो देखिए NaCl और प्लस H2O NaCl का होता है NaCl का क्या है सोडियम क्लोराइड एक और सॉल्यूशन इसका और ये भी क्या है ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है वाटर लिक्विड ठीक है वाटर है ये आपका सोडियम क्लोराइड क्लोराइड। तो देखिए हमें इस रिएक्शन में बताया गया है कि
इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट एक्शन है, यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपका क्या है, ये बेस होता है, वही सीएल का एक एसिड है, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो देखिए इसमें जैसे एन ए, आपस में देखिए इसके आयन दे सकते हैं सोडियम आयन प्लस ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन, एन ए पॉजिटिव प्लस ओ एच निगेटिव, एच पॉजिटिव प्लस सी एल निगेटिव, एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल निगेटिव, और ये वो आपका न्यूट्रल होता है, कैसा होता है न्यूट्रल होता है एच टू। तो इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, आपस में आयन का एक्सचेंज हुआ, जैसे ये ओ एच आयन है एच आयन के साथ रिएक्ट करके एच टू फॉर्मेट कर देते हैं, तो आपका जो आपका एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल निगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर एन ए सी एल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो इस प्रकार की रिएक्शन है वो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, जिनमें आपस में जो आपके दो कंपाउंड्स होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, वो उनके आयन में आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो आज हम लोगों ने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद अगली वीडियो में आप लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ओके।